हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरा व्लॉग्स पर। दोस्तों, आज मैं हूँ एक बेहद ही खूबसूरत देश में, पल्ली में। और इस खूबसूरत स्थान पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं पोस्टर होर्डिंग, उसमें नज़र आ रहे हैं नव अभिषिक पुरोहित शुभम पीटर बड़ियावल। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ जो एक नए अभिषिक पुरोहित बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है शुभम बड़ियावल। उनका आज पुरोहिताई अभिषेक का कार्यक्रम है और उसी के सिलसिले में मेरा आना हुआ था। तो देखते रहिए मटेरा व्लॉग्स, दिखाता हूँ आपको यहाँ का सेंट माइकल चर्च का कार्यक्रम। दोस्तों, आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगने वाली है, क्योंकि अजमेर धर्म प्रांत के 3 बिशप, आप सोच सकते हैं, एक साथ 3 बिशप, वो भी अजमेर धर्म प्रांत के एक ही डायसिस के, इस नव अभिषिक्त पुरोहित को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे ऊपर है बिशप पायस थॉमस डिसूजा, उसके बाद बिशप ओसवाल लुइस, जो कि जयपुर धर्म प्रांत के, जयपुर डायसिस के रिटायर्ड बिशप थे, लेकिन उन्हें अभी फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यभार संभाला है अजमेर डायसिस में। और ये है पुराने रिटायर्ड बिशप इग्नेशियस मैनेजस। तो दोस्तों, आज कई सारे फादर्स अजमेर धर्म प्रांत के, अजमेर डायसिस के यहाँ पर आए हैं और कई सारे लोगों का भी जमावाड़ा यहाँ पर लगा है इस इवेंट को विटनेस करने के लिए। कई सारे लोग यहाँ पर अजमेर, इंदौर, जयपुर, भोपाल, कोटा, पूरे विश्व से, और मैं कहूँगा पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पर आए हैं। तो ये जगह छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ के जो निवासी, यहाँ के जो लोग हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं अपने कल्चर को लेकर के, अपनी सर्विसेज के साथ। ये लोग पूरे विश्व में फैले हैं और जाने जाते हैं। तो बने रहिए मटेरा व्लॉग्स पर, दिखाता हूँ आज आपको नव नियुक्त और उपयाजक शुभम बड़ियावल का पुरोहिताभिषेक। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी पूरी हो चुकी है। दोस्तों, सारे लोग धर्मी चर्च की तरफ जा रहे हैं। प्रीस्ट भी अपना वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने स्पेशल जो ड्रेस होती है पूजा के लिए वो पहन रहे हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रोजरी चल रही है, भक्तिमय माहौल है, क्योंकि शुभम भाई ईश्वर के दास, ईश्वर ने उन्हें बुलाया, उन्हें चुना है। आज उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन है। तो काफ़ी सारे प्रीस्ट अजमेर डायसिस से आए हैं शुभम भाई को आशीर्वाद देने के लिए। ये स्वामी जी हैं, और जुलूस के साथ जितने भी प्रीस्ट है सब चर्च में प्रवेश करेंगे गाना गाते हुए, भजन गाते हुए। और आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं दूंगा कि किस तरह से कैथोलिक प्रीस्ट का अभिषेक होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, बने रहिए मटेरा व्लॉग्स पर। परिवारजनों, मित्रों एवं शुभ चिंतकों का भी स्वागत करता हूँ। संत बाबा पॉल छठ में प्रेस्बिटेरियन ऑर्डिनेंस में लिखते हुए कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र पुरोहिताई संस्कार के पुण्य फल के प्रताप से पुरोहिताई अभिषेक संपन्न होता है और पवित्र आत्मा की अमिट मोहर अभिषिक्त को प्राप्त होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस पुरोहिताभिषेक की धर्म विधि में भक्तिपूर्वक भाग लेते हुए उपयाजक शुभम पीटर बड़ियावल के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम उनके माता पिता को भी धन्यवाद दें व उनके लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने अपने अनमोल रत्न को प्रभु की प्रजा की सेवा करने अर्थात पुरोहित बनने को प्रेरित किया है। आइए हम सब खड़े हो जाए। इस कलीसिया के एक मेंबर्स को आज
याजकीय दीक्षा दी जा रही है और पुरोहिताय अभिषेक से उन्हें संपन्न किया जाएगा। तो ईश्वर की विशेष कृपा, संस्कार की कृपा उन्हें प्रदान होगी और उसके साथ साथ हम सभी जो इस मिस्सा बलिदान में, इस पूजन विधि में भाग ले रहे हैं, हम सबों को भी ईश्वर का अनुग्रह और अनुकंपा प्राप्त होगी। जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को
दृष्टिदान का संदेश दो, दलितों को स्वतंत्र करो और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। वो भी बात योग्यता के बारे में संत ऐसा आया संदेह के गुरुआचार्य श्रद्धेफादर जो सब को लेकर घोषणा करेंगे। और इसके महाराज गणेश जी आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई शुभम के रवैयाओं को योग्य विषय प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? इसकी अजरदास ने पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की ये समझ सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु कृष्ण के नाम पर मैं अपने इस पुत्र शुभम पीटर को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। हम एक साथ कहें ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, करीब 32 साल से पहले यानी करीब 1992 में ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग घायल हो गए, निराशित हुए और पीड़ित रहे। इन लोगों की सेवा करने के लिए इटली के एक बिशप नाम के एक बिशप जो खुद कैंसर रोग से पीड़ित थे, वो इन राष्ट्रों की घायलों की सेवा करने सेरा जोआ चले गए। वहां कैंप लगी थी और सेरा जोआ में करीब 3-4 महीने रहते हुए उन्होंने घायलों की पीड़ितों की सेवा की और इस दौरान उनकी बीमारी और भी बढ़ती गई, तो इसलिए वे वापस आए। पुण्य बृहस्पतिवार का दिन था 1993 में 5 महीने में। उस समय धर्माध्यक्ष बहुत ही बीमार थे और अपने मृत्युशैया में पड़े हुए थे। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हर धर्माध्यक्ष अपने पुरोहितों के साथ पवित्र तेलों का आशीष देते हुए इसका बलिदान चढ़ा रहा है और अपने पुरोहितों को प्रेरणा देता है। लेकिन धर्माध्यक्ष स्वामी मंगलो नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने अपनी मृत्युशैया से ही अपने पुरोहितों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने उनके जिम्मेदारी के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में समझाया और उस पत्र का शीर्षक रहा द स्टोव एंड द टावल। द स्टोव एंड द टावल नाम का शीर्षक रहा। आप सब जानते हैं स्टोव का मतलब क्या होता है। यह स्टोव हर पुरोहित मिस्सा बलिदान के समय पहनता है, संस्कार के वितरण करते समय या प्रवचन देते समय, लोगों को आशीष देते समय यह स्टोव पहनता है। और इसके साथ साथ उन्होंने और जिक्र किया टावल की तौलिया जो प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने शिष्यों के पैर धोते हुए और उनको साफ करने के लिए तौलिया इस्तेमाल किया था
ऑरियंट हो गया कि टावल एक सेवा भाव का संकेत है। तो इन दोनों संकेतों को इस्तेमाल करते हुए धर्माध्यक्ष स्वामी गर्वा ने अपने पुरोहितों को समझाया कि ये स्तोत्र पुरोहित का ईश्वर से संबंध है, उसकी गहराई का उन्होंने समझाया। किस प्रकार के पुरोहित को प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए संस्कार को वितरण करते हुए और मनन चिंतन करते हुए ईश शब्द ईश्वर का शब्द पढ़ते हुए किस प्रकार एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन बिताना है और उस जीवन से आध्यात्मिक जीवन से वो अपने पिता ईश्वर से प्रभु यीशु कृष्ण से जुड़ा हुआ है और उसकी ताकत उसकी शक्ति में प्रभु यीशु की मिलती है इन्हीं संस्थान के माध्यम से इन्हीं प्रार्थना के माध्यम से। साथ साथ एक पुरोहित का कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, ये सेवा का संकेत। और जैसे प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, दरिद्रों की से देख रेख की, उसी प्रकार के पुरोहित सेवा भाव के साथ अपने लोगों की सेवा करता है। इन बातों को इस धर्माध्यक्ष ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पत्र में द स्टोन एंड द टावल इस पत्र में उन्होंने समझाया। आज हमारे सामने वही प्रभु यीशु है जिनका एक संबंध अपने पिता ईश्वर से रहा, प्रार्थनामय जीवन प्रभु यीशु ने बिताया और अक्सर वे सुबह शाम देर रात या तड़के सुबह प्रार्थना में लगे रहते थे। कभी कभी पहाड़ पर जाकर, कभी कभी बगीचे में जाकर, कभी कभी मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करते थे। और वही कर्तव्य है कि पुरोहित का प्रार्थना में जीवन बिताना। और जब प्रभु यीशु प्रार्थना करने मंदिर गए थे, उन्हें इसाईस नबी की ग्रंथ का ग्रंथ दिया गया जिसका जिसको आज के सुसमाचार में हमें पढ़ सुनाया गया। और संत लूकस के अनुसार का ये सुसमाचार प्रभु यीशु के मिशन कार्य को प्रस्तुत करता है। जब प्रभु यीशु मंदिर में गए, इसाईस नबी का ग्रंथ उन्हें दिया, उन्होंने खोलकर वही पढ़ा जो मिशन उनका है, जो कार्य उन्हें इस दुनिया में संपन्न करना है, जिस मतलब के लिए वो इस दुनिया में आए हैं, इनको उसको उन्होंने इसाईस नबी के माध्यम से पढ़ सुनाया। ईश्वर अयोग्य व्यक्तियों को चुनता है, ईश्वर अपनी प्रजा के बीच में से किसी न किसी को चुनता है और उसको योग्य बनाता है और उसको कृपाओं से भरपूर कर देता है। और इस बात में हमने सुना एक याजक का वर्णन कि याजक कौन होता है, वो अपने परिवारों से, हमारे परिवारों से, अपने समाज से ही चुना जाता है, वो भी आप हम सबों के समान वो भी अयोग्य हैं और ईश्वर उनको कृपाओं से भरपूर कर देता है। ये बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, आप स्वीकार स्वीकार में क्रिस्त का कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति धन्यवाद और विनति चढ़ाना, ये सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से चुने, इसलिए चुने गए हैं मनुष्यों की और इस मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें, इसलिए भक्त प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रिस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कार्यों में
यीशु मसीह की ही सेवा दे रही है। प्रिय शुभ अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको कृष्ण चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें कृष्ण के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर सामने रखिए, जो अपने सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जकेउस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। प्रिय पुत्र शुभम पीटर, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्यों का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा आग्रह विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और कृषि जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ कृष्ण के रहस्यों का खासकर पवित्र विश्वास का वेद मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित कृष्ण ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से कृष्ण के से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। अभी धर्माध्यक्ष के प्रति श्रद्धा और आज्ञा पालन का संकल्प लिया जाएगा। उम्मीदवार ग्रुप ने टेक कर धर्माध्यक्ष के प्रति श्रद्धा और आज्ञा पालन का संकल्प लेंगे। क्या आप अपने धर्माध्यक्ष से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अब ईश्वर ने आपने यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। अब सब संतों की स्तुति का समय है।
भाई सुन, अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और पूर्णताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रख इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने इस दास शुभम पीटर को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर करते, तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर, ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों की नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेमताई और पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों को के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने, इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, युग कृष्ण के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करें और रोगावस्था में शांत बना पाए। हे दयामय प्रभु, ये नया पुरोहित शुभम पीटर हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र कृष्ण के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपने सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु कृष्ण के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता परमात्मा के साथ एकता में युगानि युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अब इस धर्म विधि का एक अत्यंत भाव पर है, जब अपेक्षित उम्मीदवार को पुरोहिताई के पारंपरिक वस्त्र धारण कराए जाएंगे। पहले तिरछा पहने दुपट्टे जैसे वस्त्र को, जिसे स्कंदपट या स्टोल कहते हैं, सीधा करके पहनाया जाता है। इसके बाद ऊपर से एक और गाउन जैसा वस्त्र पहनाया जाता है। इस वस्त्र वस्त्र धारण करने के बाद अब नवीन रोहित के हाथ अभिषेक किए जाएंगे।
रोटी और भाप का सुनाया जाएगा जिसे धर्मांतरित नव पुरोहित के हाथों में समर्पण करवाने के लिए खेल और प्रतीक के सौंपते समय धर्मांतरित नव पुरोहित से आह्वान करते हैं कि वह अपना जीवन और आचरण प्रभु क्रिस्ट के क्रूस के समरूप जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्ट के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। अब उम्मीदवार पूर्ण रूप से पवित्र बन चुका है, प्रभु की सेवा करने और उसका दोस्त होने के लिए एकदम तैयार है। धर्माध्यक्ष उन्हें शांति का अभिवादन देंगे, उसके बाद उपस्थित सभी पवित्र उन्हें शांति का अभिवादन देंगे। इस प्रथम अभिवादन द्वारा प्रेसबिटेरियन के सदस्य बन जाएंगे। आई रिक्वेस्ट द फादर स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द ऑल्टर टू कम फॉरवर्ड फॉर द किस ऑफ पीस, फॉलोड बाय द फादर्स स्टैंडिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑल्टर।
जी की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, जिसका तो यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए। Thank you.
पहली बार हमको नवभिषित पुरोहित प्रभु की आशीष प्रदान करेंगे। प्रभु आपके साथ हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप जो विराजे प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया तेरे गरीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन यह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। आज इस दिन का प्रसंग विषय या मर्म यही है मेरे भाई और बहनों, और इसका इन गतिविधियों के द्वारा मिस्सा बलिदान और हम साथ मिलकर इस गतिविधियों के द्वारा हम उसका आत्मसात कर रहे हैं। बिशप पायस थॉमस डिसोजा हमारे पल्ली की ओर से और इस शुभ अवसर पर उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। पल्ली परिषद के सदस्य बिशप स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे बीच आज मिस्सा बलिदान चढ़ाकर पहली बार इस गांव में आए हैं, हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ताली तो बजाइए। आज का दिन शुभम बढ़िया हुआ, उनका भी हम स्वागत करें।
सब विश्वासीगण, मैं आपके सामने 8 साल के बाद उपस्थित हूं। जब शुभम का इनविटेशन मिला, मैंने उनसे कहा मैं आऊंगा या ना आऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम है, क्योंकि एक दिन चंगा रहेंगे, 2 दिन बीमार हो जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर भी मैंने यही सोचा, कम से कम जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है हम जाकर उनको धन्यवाद दें। मेरे प्यारे विश्वासीगण, आप जानते हैं बहुत प्रेम और उत्साह के द्वारा 1920वीं लगभग उसी शताब्दी में हमारे फ्रेंच कपूजी ने कभी लोगों ने प्रत्येक रूप से बिशप कोमो ने 600 एकड़ जमीन यहाँ कोटा के राजा से पाई थी और उन्होंने इस सुकेत का स्थापना किया। और उस दिन से आज तक मैं देखता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपाएं और उनका संगत हमेशा इस गांव के लोगों के साथ रहा और आज भी उसी को हम देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। कलिशिया में विश्वास के लोग की संख्या बढ़ गई है। हमारे अजमेर में सुकेत के लोग हैं ही हैं, उसके बाद हम उनको अभी ग्वालियर में देखते हैं, हम इंदौर में देखते हैं, मऊ में देखते हैं और ये सब पढ़ लिख कर चारों तरफ फैल जाते हैं और सचमुच पल्लियों का विश्वास बढ़ाते हैं और सचमुच इनका नमूना देकर अनेक लोग मिस्सा में आ जाते हैं। और ये भी एक ईश्वर की बहुत बारी कृपा है जो आप लोगों के द्वारा कलिसिया के चारों तरफ फैलती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं सुकेत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका प्रेम ना केवल सुकेत में रहा, वो अन्य जगह में भी फैल गया। सो मेरे प्यारे विश्वासीगण, आपकी याद हमें हमेशा करते हैं और प्रार्थना मैं भी करता हूँ ताकि ये विश्वास आप लोगों के गांव में मजबूत रहे और उसी को आप आगे बढ़ाएं। यीशु क्राइस्ट के अंत शब्द थे इस संसार में। ईश्वर के पिता, आपके हाथों में मेरी आत्मा अर्पित करता हूँ। उसके बाद प्रभु यीशु क्राइस्ट कुछ नहीं बोली और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। कौन से कार्य उन्होंने किए हैं? इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु क्राइस्ट ने अपने मृत्यु के बारे बाद 2 महान कार्य किए हैं। उन्होंने खुद अपना रक्त एक कटोर में लिया और उस रक्त को लेकर वो सबसे पहले मंदिर में गया। जब वो मंदिर में घुस गया तब वो कर्टन जो सैंक्चुअरी और हॉल के बीच में था वो टूट कर गिर गया। इसका एकमात्र उद्देश्य है जो बिब्लिकल लेखक हमें बताते हैं कि उस दिन से लेवी का समाप्त हो गई। दोस्तों, आज का कार्यक्रम, आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है। बने रहिए मटेरा व्लॉग्स पर। थैंक यू सी यू टेक केयर अलविदा गुड बाय दोस्तों बाय बाय।